यरका राजा उने कोट फेते जाचा सही खू इंग नजरी जुगता ए रोंकुली रही तू न बल्या डूडूला ची पई इंग नजरी जुगता। A very beautiful good morning to everyone out there. So, हम रेडी हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कुंजी। कुंजी मीन्स की। दिस विलेज इज लोकेटेड इन द धारचूला तहसील ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। This village is also the traditional route leading to Kailash Mansarovar Yatra. Gunji mein hi Kutiyanti River aur Kali River ka sangam hai. There are two routes from Gunji. First jata hai north mein, means towards Kailash Mansarovar or towards Om Parvat, and the second one goes towards Adi Kailash. So Gunji is kind of a base. जब आप गुंजी में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा। इस व्यास वैली रीजन में तीन पोस्ट ऑफिस है एंड गुंजी का पोस्ट ऑफिस लास्ट पोस्ट ऑफिस है। इस विलेज में अराउंड 355 लोग रहते हैं एंड 184 ही घर हैं। मनेला एंड गुंजी इज अ काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट ऑफ द व्यास वैली बिकॉज यहाँ पे ITBP, GREF एंड DRO का ऑफिस भी है, सो काइंड ऑफ बेस कैंप है यहाँ पे। दिस एरिया इज हाईली सेंसिटिव एरिया बिकॉज ऑफ नेबर कंट्रीज लाइक नेपाल एंड चाइना। इवन चाइना का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर्स है गुंजी से एंड नेपाल इज जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। So today we are going to meet the legend, the son of a mountain, the Padma Shri Award and the Tenzing Norgay National Adventure Award of the lifetime achievement. He has climbed and skied down from the toughest peaks in the world, including Mount Everest. The man himself, Mr. Mohan Singh Gunjyal. मेरा नाम मोहन सिंह गुंजयाल है। मैं गुंजी गांव का निवासी हूँ। थोड़ा किसारा रास्ता आने पर मैंने ITB में नौकरी की। वहाँ पर मेरे लगन और उसको देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया स्किंग का, एडवेंचर या साहसिक खेल में। तो उसमें अच्छा रिजल्ट लाया और इसके साथ साथ मुझे बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मैंने गोल्ड मेडल लाया था स्किंग में, नेशनल में। तो उसके बाद मेरे उस अचीवमेंट को देखते हुए पर्वतारोहण में मुझे भेजा गया और वहाँ भी बिना पर्वतारोहण के ट्रेनिंग के ही 7 पीक से मैंने स्किंग डाउन किया, जिसमें सबसे ऊंची पीक है कामेट, 25,447 फीट है उसकी हाइट। 92 में एवरेस्ट को चढ़ने में सफलता पाई, जिसमें लीडिंग क्लाइंबर के तौर पर मैंने काम किया था और साथ ही साथ विदाउट ऑक्सीजन यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। और इसके साथ साथ मैंने करीब 3 दर्जन पर्वतारोहण की, सब में सफलता पाई, जिसमें 7 एक्सपीडिशन विदेशियों के साथ। और गांव गुंजी क्यों नाम पड़ा, टंगोपा बोलते हैं गुंजी को, गुंजालों को, मतलब गुंजाल मतलब गुंजी के वासी को गुंजाल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल टंगोपा है। टंगोपा मतलब जो लाइन स्लाइड होता है, जो रॉक फॉल ऊपर से आया है, जो नीला पत्थरों का ढेर, तो उसके नीचे निवास करने वाले को टंगोपा कहते हैं, जो गुंजी नाम से जाना जाता है।
गुंजीवासी 6 महीने पहले नेपाल में माइग्रेट होते थे और 6 महीने यहाँ। विंटर में बहुत गिने चुने लोग रहते थे, आदर्श परिवार। इनका काम था विंटर में जो जिस छत के में पड़े हुए बर्फ को हटाना और घर की देखभाल करना, क्योंकि ये मिट्टी की घर और पटाल ये पत्थर के छत होने के कारण ज़्यादा बर्फ पड़ने पर घर को नुकसान होता था और टपकता था, चूता था। इसलिए यहाँ 5-6 परिवार या 10 परिवार तक यहाँ विंटर में रहते थे। और यहाँ से नेपाल 8-10 दिन में पहुँचते थे यहाँ से। तो नेपाल धारचुला से 4 दिन का रास्ता है, जहाँ हमारा गांव का निवास स्थान है। वहाँ पर करीब 7 किलोमीटर का एरिया नेपाल में था। और ये 91-92 में ये नेपाल के माओवादी के कारण वहाँ से धारचुला शिफ्ट हुए। शिक्षा के लिए टीचर लोग यहाँ जूनियर हाई स्कूल यही हुआ करता था, जो 7 गांव के अलावा नेपाल से 2 गांव और गाला सिमखोला तक के ये यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे आते थे यहाँ पर। और 94 के बाद बंद हो गया और साथ ही साथ अपर स्कूल वो भी बंद हो गया, क्योंकि टीचरों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। जबकि पहले नेपाल में भी टीचर जाते थे और उनका खाना पीना सारा व्यवस्था गांव बच्चे ही करते थे। हर गांव से राशन देना, सब्जी देना, सब कुछ वो फ्री में उनका खाना पीना होता था। After that, Mohan ji gave us the brief tour of Vyas region and told us about the peaks. इस नदी के पार जो सामने नाला बह रही है उसके ऊपर पियर बोलते हैं, जो वहाँ पर जानवरों को जो बछड़े बच्चे देने वाले गायें उनको चराने के लिए वो स्थान है नबलजू गांव का और गुंजी वालों का। उसके बाद ये पीक दिख रहा है, इसके ऊपर सारा चरागाह है बकरियों का। और ये सामने जो रिज जा रहा है, रिज के नीचे जो चट्टान के नीचे जो ख़त्म होता है उस रिज के नीचे रोंको गांव है। उसके बाद लास्ट में दिख रहा वो जोलिंगकंग का के ऊपर का पहाड़ दिख रहा है। अभी बर्फ नहीं है, इस महीने के बाद बर्फ पड़ेगा। उसके बाद ये छछला ग्वार है, ये ग्वार का मतलब है नाभी वालों का, गाय बछड़ों का चरागाह है। वो सामने फसला से गणेश नुमा दिख रहा वो। उसके बाद एक ऊपर एक त्रिकोण टाइप का वो पीक दिख रहा है, वो है शंकल पहाड़ नाभी का। और उसके बाद बीच में है ये जो पहाड़ है, ये नाग पर्वत के पीछे वाला इलाका पड़ता है, नासा मर्ती बोलते हैं इस इलाके में। तो वहीं से पानी एक बहती है नाला जो नाभी वाद में बहती है, जंगती जो झरना है वो आते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं, ये उधर काला पानी की तरफ। और ये आया फिर शिवलिंग है, ये संकल्पा बोलते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे पीक दिख रहे हैं और साथ साथ ये नाग पर्वत बोलते हैं, ये इसके बाद फन की तरह दिखता है। और यहाँ पर एक पत्थर का ही बिल्कुल सेम शिव जी शिव समान दिखता है, अभी सनसेट में दिखेगा। उसके बाद कौवा लेक, ये कौवा लेक है, ये सामने दिख रहा है, नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल वाला इलाका है। वो जो ऊपर सबसे ऊंची पीक है वहाँ से नीचे को ढलान के तरफ रिज आ रहा है, रिज जो जंगल है शंगजारा बोलते हैं, वहाँ वहाँ पर ऋषि वेद व्यास जी का कुटिया है और टॉप में भी है जंगल लाइन में के ऊपर, 2 जगह उनका कुटिया है। इसके बाद आगे जो सामने दिख रहा है बर्फ के इधर वाला बर्फ जो लास्ट जंगल वाला रिज दिख रहा है वो नेपाल का छंगरू गांव है। और उसके बाद वो लास्ट पीक दिख रहा है त्रिकोण, वो है नंपा पीक। उसके बाद इधर को आता अपी पीक, अपी पर्वत है, अपी पर्वत 7,160 मीटर इसकी ऊंचाई है, करीब 23,500 पड़ता है, 23,492 फिट उसकी ऊंचाई है। और फिर इसके पीछे तो फिर गरबियांग आता है और छाले का आता है।
जब हमारे पीछे लकड़ी और अनाज देख पा रहे हो, एक्चुअली जो विलेजर्स होते हैं, ये काफ़ी विलेजेस में मैंने देखा है कि वो लोग पहले से कंजर्व करके रखते हैं चीज़ें विंटर्स के लिए। एंड अगर हम व्यास वैली की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है, तो ऑलरेडी पहले से ही लोग यहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं चीज़ें। कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं वो बल्क में चीज़ें कंजर्व करके रखते हैं सो दैट कि वो विंटर्स पे उसे यूज़ कर सके अपनी डेली लाइफ में। के जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं हम, और साथ ही साथ ये जो कभी भी सूखते नहीं है, ना विंटर में हो या बारों में, ना ये हरी रहती है, और जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये बिल्कुल हरे फूल का काम लेते हैं हम लोग। जब विंटर में फूल सूख जाते हैं तो उसके जगह पर इसको इसको इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ ये कोयले में इसको जला देते हैं। ये इसका नाम पोखबर है, ये पोखबर, ये मतलब धूप जलाने वाला बर्तन हुआ ये, तो इसमें कोयला डाल करके इसको ऐसे तोड़ करके इसमें डाल देते हैं उसमें, ताकि ये इसकी खुशबू बढ़िया महकती है, ये बहुत दूर दूर तक नीचे डाउन में जाएंगे तो वहाँ पर और अच्छा उसकी महक ज़्यादा होती है। और यहाँ हम लोग जैसे हर पूजा में या व्यक्ति का कोई पूजा करता है तो इसी को जलाकर इसको शुद्ध मानता है, अगरबत्ती को शुद्ध नहीं मानता है। अगरबत्ती में क्योंकि उसमें बांस का स्टिक लगा होता है और साथ ही साथ केमिकल के वजह से उसमें खुशबू ज़रूर अच्छी आती है, लेकिन वो उसको एक्चुअल देखा जाता है धार्मिक आस्था के तौर पर उसको शुद्ध नहीं मानते, इसलिए ये इसको सबसे ज़्यादा अच्छा शुद्ध मानते हैं। और ये जो है इसके बीच अच्छे मोटे बहुत पुराने अगर उसकी जड़ है तो वहाँ से बीच से जैसे इस प्रकार से चंदन निकलता है उसी प्रकार का इसमें भी एक बीज इसके बीचों बीच से निकलता है, उसको टीका लगाने का काम करता है। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन जब पुराने से पुराने कई 100 साल पुराने ये पेड़ होगा तो उसके उसको बाहर का दो फाड़ इसको फाड़ेंगे तो बीच वो चंदन की तरह मिलता है। दिस प्लेस टॉट अस अ लॉट एंड मोहन जी पम्प्ड आवर कॉन्फिडेंस टू ट्रैवल एंड डॉक्यूमेंट दोस स्टोरीज व्हिच नेवर केम आउट फॉर द वर्ल्ड। देयर इज समथिंग अबाउट गुंजी that feels really inspiring when it comes to the tradition and culture of this land. The history is so deep-rooted that although everything is right in front of you, there is only so much that you can grasp and understand. Mohan ji ne hame bataya Vyas Valley ka 500 saal purana ghar jo ki ab khandar ho gaya hai. इसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। आपको व्यास वैली में ऐसी लकड़ियों की सीढ़ी काफी देखने को मिल जाएगी। अब टाइम के साथ जरूर ये कम होती जा रही है क्योंकि अब लोग पत्थर और मिट्टी की सीढ़ियां गांव में बनाते हैं, और ये जब तक मैंने देखा ये सीढ़ियां पेड़ को काट के इसमें यू नो स्टेयर्स का डिजाइन दिया जाता है। बिफोर 2019 धारचूला से गुंजी आने में 4 to 5 days का टाइम लग जाता था, एंड यू हैव टू ट्रैक ऑल द वे फ्रॉम धारचूला टू गुंजी। आफ्टर 2019 द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू मेक अ रूट फ्रॉम धारचूला टू द ऑल द आइसोलेटेड प्लेसेस इन द नॉर्दर्न एज ऑफ उत्तराखंड। थोड़ी मुश्किलें हैं मगर ये कहते हैं जो सीखा है और जो पाया है वो शायद यहाँ की आबो हवा की ही देन है, तो अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में बुरा क्या है। राजा उने कोट फेते जाचा सही गुंगया नजरी दुखता
ए रोंकुली रही तू ना बल्या डूडूला ची पई कु मैया न जारी जुगता ए यर तो कोठी दी मोदं से न सचने जंतं इंग न जारी जुगता ए प्रस्ती की गए बेपलती ये न बेपं पं पन थं थं इन्ने या ना जारी जु ए काल्या माल्या ती तुम बंगयर ए दुंगा यर तो बंजा इन्ने या ना यारी जु ता कंवा कुटी जिमलिया कौवा कुटी जिमली नी सो यर्पल पंपन थं थं इन्नया ना जरी जुगता सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा अच्छा सानिया मिर्जा ये गला बैठ गया नहीं हो रहा है घर में चंदे घर में चंद जी मैं एक लास्ट कह सकते हो आपकी की